मेरे आराध्य चंद्रशेखर आजाद, मुख्य अतिथि हाकिब जी और पत्रकार बंधु, मेरी फिल्म के बुनियाद में 2016 का जेएनयू का नारा है, जिसे पूरे देश ने सुना और देश चौंक उठा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत जेएनयू में हुई और मैंने उसी मैदान से उसका जवाब दिया। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आज़ादी के हवन कुंड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके हकदार थे। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र उन्हें क्रांतिकारी राष्ट्रपुत्र को समर्पित है। एक सूत्र है उपनिषद में, अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर मा अमृतम गम्या। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यही जिंदगी है आज़ाद जैसे महापुरुषों की। आज़ाद के व्यक्तित्व और कृतित्व को, उसके साथ ही सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने फिल्म राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में निर्माण किया है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon to never miss any update from the Bombay Talkie Studios.